हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस चैनल में न हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे कर देना। तो गाइस यहाँ पर ना मेरे को भी पता है बहुत सारे भाइयों का कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं है। देखो अगर आपके पास भी कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं है ना, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं इस वीडियो में कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसको यूज़ करने के बाद ना गाइस आप भी एकदम 100% हर एक गेम को जीत पाओगे रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के बाद भी, ठीक है। और आराम से आपका स्कोर जो एकदम इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद तो आपको मैं ग्लिच के बारे में बता ही दूंगा, ग्लिच को यूज़ करके आप आराम से ग्रैंड मास्टर कर लोगे, ठीक है गाइस। देखो ग्लिच के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो पोस्ट कर दिया हूँ। अगर आपका स्कोर हाई है तो आप लोग ग्लिच को भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस क्या नेक्स्ट एंड ग्लिच यूज़ होगा मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, तो चैनल पर एक्टिव रहना। और गाइस चैनल एकदम डाउन पर जा रहा है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो गाइस, थोड़ा प्लीज़ यार सपोर्ट दिखा दो। तो गाइस पहला जो पॉइंट है ना गाइस, कम्युनिकेशन। अभी देखो रैंडम प्लेयर क्या करते हैं ना गाइस, रैंडम प्लेयर माइक ऑन नहीं करते, बस अकेले अकेले रश करता है और मर जाता है और फिर आपके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा भाई, गेम जैसे भी स्टार्ट होता है ना, आप उन लोग को बार बार बोलो कि भाई माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले भाई, थोड़ा उन लोग को माइक ऑन करने के लिए बोलो। तो क्या होगा, आप उन लोग को गाइड कर पाओगे, ठीक है। इसमें ना गाइस आपका ही फायदा है, क्योंकि मैंने बहुत बार रैंडम के साथ खेला हूं भाई, माइक ऑन नहीं करते, वो लोग जाता है और मर जाता है, फिर पूरा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या होगा ना, अगर वो लोग माइक ऑन करेगा ना भाई, देखो यार आपका जो प्रेशर है ना वो उन लोग के साथ भी शेयर हो जाएगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। मेरा हिंदी में दिक्कत होता है, प्लीज़ एडजस्ट भी कर लेना, ठीक है गाइस। तो पहला पॉइंट रहा कि भाई माइक ऑन करने के लिए फोर्स करो उन लोग को। अभी बढ़ता हूँ सेकेंड पॉइंट। अभी ना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और एक और बात गाइस, मैं जो पॉइंट बताऊंगा ना पूरा मेरा एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर मीन्स गलत गलत पॉइंट बता देते हैं भाई, पिकाचू ऑडियंस आ जाते हैं उनको ही सपोर्ट करता है। लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ मेरा पूरा एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड नंबर पॉइंट है कि गाइस कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत करना। अभी देखो अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलोगे डिपेंड तो मत ही करना, क्योंकि देखो आप बंदे लोग को नहीं जानते हो ढंग से कि कैसा उन लोग का गेम प्ले, पूरा आपके ऊपर। आपको कोशिश करना है कि गाइस अकेले दो बंदे को तो एटलीस्ट मार ही सकते हो। मेरे को भी पता है आप लोग आराम से एक दो बंदे को मार सकते हो अगर आपके पास सही कॉन्फिडेंस है। तो गाइस रैंडम प्लेयर के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना कि ये मत सोचो भाई वो मार देगा, वो मार देगा, उसका ड्रेस देख के। भाई देखो भाई बहुत सारा बंदा टॉप अप करता है लेकिन गेम प्ले एकदम टट्टी की तरह है, ठीक है। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ भाई, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ। तो गाइस कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत करना रैंडम प्लेयर के साथ जब खेलोगे। अगर दोस्त लोग के साथ खेलते हो, उन लोग के साथ आप जानते हो कैसा गेम प्ले, तो आप डिपेंड कर सकते हो, लेकिन रैंडम के ऊपर डिपेंड कभी भी मत करना। तो गाइस अभी बताता हूँ टिप नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये ना एक मिस्टेक भी बोल सकते हो, ये खुद मैं भी करता हूँ, ठीक है भाई। आप ना किल एंड हेडशॉट रेट के ऊपर भागते हो भाई। देखो अगर आप रैंडम के साथ खेलोगे तो आपको गेम को जीतना है, पहला टारगेट होगा आपको गेम को जीतना है, आपको हेडशॉट एंड किल के ऊपर नहीं जाना है। देखो हेडशॉट किल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर गेम को हार जाते हो, क्योंकि भाई मैंने बहुत बार ये 1 vs 1 सिचुएशन है, सपोज मेरा 1 vs 1 सिचुएशन है, मैं भाई डेजर्ट से मारने की कोशिश करूँ, मेरे पास शॉटगन है लेकिन फिर भी मैं डेजर्ट से मारने की कोशिश करूँ हेडशॉट रेट के लिए। तो ऐसा सिचुएशन में बहुत बार मर जाता हूँ। तो गाइस ये गलती कभी भी मत करना, बस आपको गेम को जीतना है, फिर आपको किल एंड हेडशॉट रेट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अभी बढ़ता हूँ टिप नंबर 4 जो कि गाइस देखो क्लैश स्क्वाड जब खेलते हो ना, हमेशा आपको टारगेट करना है कि पहला राउंड आपको जीतना ही है, क्योंकि देखो अगर आप पहला राउंड जीतते हो तो सेकंड राउंड में ना आपको ज़्यादा पैसा मिलती है। और गाइस ओपोनेंट को ना, अगर ओपोनेंट हार जाता है पहला राउंड तो उन लोग को पैसा कम मिलती है, उन लोग के पास बस डेजर्ट ईगल होगा। और अगर आप लोग पहला राउंड जीतते हो ना तो आपके पास यूएमपी वगैरह हो जाएगा, आप लोग आराम से रश करके आप लोग जीत सकते हो। तो गाइस पहला राउंड आपको जैसे भी होकर जीतना ही है। अगर आप रैंडम के साथ खेल रहे हो ना तो आपको लीडरशिप लेना है पहला राउंड पे। और गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस पहला राउंड पे ना बहुत सारा बंदा क्या करता है, M500 WSP, ठीक है, G18 वगैरह ले लेते हैं। कि गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस वो सब छोड़ के ना गाइस आप डबल ग्रेनेड ले लो भाई, बहुत ही काम का है पहला राउंड में ना, ग्रेनेड बहुत ही काम का है सीएस में। और गाइस देखो पहला राउंड में आप डबल ग्रेनेड ले लो, अगर आपको थोड़ा बहुत चलाना आता है ना ग्रेनेड गाइस कुक करके, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग पहला राउंड जीत जाओगे। और गाइस आप लोग ना एक काम भी कर सकते हो, ग्रेनेड के साथ आप लोग क्लावी यूज़ कर सकते हो पहला राउंड में, वो भी काम का है। देखो आपको जैसे भी पहला राउंड जीतना है, अगर आप पहला राउंड जीतोगे तो भाई 90% चांस है कि आप सेकंड राउंड भी जीत जाओगे। अगर आप पहला राउंड हार जाते हो ना तो गाइस 20% चांस है कि आप सेकंड राउंड जीतोगे। तो गाइस यही था मेरा कुछ एक्सपीरियंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, इसको आप टिप्स एंड ट्रिक्स में भी ले सकते हो, ये काम का है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक आप लोग करते हो, मैं खुद करता हूँ, ठीक है, आप लोग को नहीं बोलूँगा, मैं खुद करता हूँ। तो गाइस यही था कुछ मेरा एक्सपीरियंस, तो होप यू लाइक द वीडियो। हिंदी में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, एडजस्ट भी कर लेना। तो गाइस थैंक यू, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ।